Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope all of you well. So open your book Geography class 7 and chapter number 6 atmospheric humidity and precipitation. Humidity jo hai hawa ab hawa mein jo nami aur jo precipitation kehte hain rainfall snowfall and yani matlab hail and sleet ko theek hai. So precipitation, हमने कल definition भी इसके बारे में पढ़ा था कि what is precipitation? Precipitation, the fall of water drops in the form of solid and liquid form is called precipitation. यानी आसमान से जो है पानी का टपकना, चाहे वो water drops जिस भी form में हो, चाहे वो solid form में हो, यानी स्नो के फॉर्म में या फिर जो है बारिश पानी की फॉर्म में हो लिक्विड फॉर्म में हो जैसे रेन ठीक है. सो काइंड्स ऑफ प्रेसिपिटेशन वी हैव डिस्कस एंड सो हाउ मेनी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन आर देयर. सो देयर आर फोर प्रेसिपिटेशन टाइप्स ठीक है. तो चार प्रेसिपिटेशन की टाइप्स हैं उनको हम देखते हैं. सबसे पहले हैं टाइप्स नंबर वन रेन, नंबर टू स्नो, नंबर थर्ड स्लेट एंड नंबर फोर इज़ हेल. हेल ठीक है. सो कल हमने टू ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, नंबर वन स्नो एंड नंबर वन इज़ रेन एंड नंबर टू स्नो ठीक है. यानी बारिश और बर्फबारी को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट टू ठीक है. ये हैं हमारे हीलिंग. हीलिंग कहते हैं ओलों को सही है. तो आप अपनी बुक्स पे देख सकते हैं पेज नंबर 62 पे कि एयर टेक्स द वाटर वेपर्स टू सच कोल्ड एरियाज इन एटमॉस्फेयर. जब आपके किसी भी इलाके का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, आबो हवा बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, वे टेम्परेचर इज ब्लोइंग फ्रीजिंग पॉइंट, और वहाँ का जो जमने वाला टेम्परेचर हो जाता है जहाँ पर चीज़ जमने लग जाए. हेयर वाटर वेपर्स फ्रीज, वहाँ पर वाटर वेपर्स क्या होते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं फ्रॉम हेल्स ठीक है. और किसकी शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, ओलों की. विश फॉल ऑन अर्थ, जो ज़मीन पे गिरते हैं, होता ये स्टूडेंट्स एंड व्हेन दिस हेल फॉल द वाटर वेपर्स इन देयर वे जॉइन देम एंड देयर साइज इंक्रीज्ड. स्टूडेंट्स होता ये है कि जो वाटर वेपर्स जो हैं वो हमारे एयर के अंदर जब होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जब गैदर हो जाते हैं तो वो ऊपर आसमान पे जाकर जो है वो क्लाउड्स की फॉर्म में क्या करते हैं. जब जैसे ही यानी मतलब स्नो या हेल स्टार्ट होते हैं, यानी जो है ओले पड़ना स्टार्ट होते हैं, तो उनका साइज़ छोटा होता है. लेकिन जैसे ही हवा के अंदर जो हमारी एयर के अंदर क्या होता है वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, वो वाटर वेपर्स भी उन्हीं हेल के साथ मिल जाते हैं और इस तरह से वो हेल जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं. ओले बड़े होने की वजह से वो ज़मीन पर बड़े साइज़ के भी गिरते हैं और छोटे साइज़ पर के भी गिरते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, हेलिंग ठीक है. तो ये हेलिंग का एक व्यू आप देख सकते हैं ठीक है. आप पीछे भी मैंने जो आपको हेलिंग का व्यू दिखाया था, ये देखें इतने बड़े बड़े भी यानी मतलब ओले पड़ सकते हैं. Then the second type is, it is the last type, ठीक है. First हमने rain, कल हमने किया था, second snowfall किया था, आज हमने hailing किया and fourth and it is the last sleet, ठीक है. Sleet में क्या होता है, या आप views भी दो देख सकते हैं, इनमें क्या होता है, the combination of rainfall and snowfall is called sleet, ठीक है. यानी बारिश का भी और बर्फ़ का भी दोनों का इकट्ठा होना क्या कहते हैं, स्लेट कहलाते हैं ठीक है. ये आप देख सकते हैं एक व्यू कि इसमें बारिश भी हो रही है और स्नोफॉल भी हो रही है, तो ये हमारी क्या कहलाई, स्लेट. व्हेन रेन ड्रॉप्स पास थ्रू द लोअर कोल्ड लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर दे फ्रीज्ड ठीक है. क्या होता है कि जब फ्रीज जम कैसे जाते हैं, कि जब रेन ड्रॉप्स भी जो हैं वो पास थ्रू द कोल्ड लेयर ज़मीन की कोल्ड लेयर से गुजरते हैं, तो वहाँ पे क्या एटमॉस्फेयर की कोल्ड लेयर से गुजरने की वजह से वो फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं. दीज ड्रॉप्स कंटेन लिक्विड वाटर ठीक है. वो अपने अंदर पानी भी रखते हैं, वो लेयर अपने अंदर पानी भी रखता है और साथ साथ वो बर्फ़ भी ठीक है.
इनसाइड बट द आउटर कवर इज़ हार्ड, यानी उस बारिश के कतरे के अंदर क्या होता है कि रेन ड्रॉप्स होते हैं और ऊपर से उसकी क्या होती है लेयर बर्फ़ की तरह होती है, ठीक है, यानी मतलब स्नो की तरह होती है, और वो दोनों कंबाइन होते हैं, ठीक है, कम्बिनेशंस। इसीलिए देखें स्नोफॉल आप भी इसे नहीं कह सकते, आप इसे रेन भी नहीं कह सकते, आप इसे स्लेट कहते हैं। जब यानी मतलब ये ज़मीन के ऊपर गिरेगा तो ये बर्फ़ की सूरत में नहीं गिरेगा, ये कहीं ना कहीं पानी के फॉर्म में और बर्फ़ दोनों के फॉर्म में होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, अब आज आपने अपनी कॉपीज ओपन करनी है। कॉपीज पे ऑलरेडी आप ये का काम कर चुके होंगे जो वेनसडे को मैंने आपको करवाया था, प्रेसिपिटेशन एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। सो अब हमारा होमवर्क है थर्सडे का 22/4/21 होमवर्क, आपने डेट देनी है। एंड थर्सडे थर्ड आपका हीलिंग, और जो मैंने आज अभी आपको मैंने रिसेंटली पहले डिस्क्राइब कर लिया है, ठीक है, तो हम दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं कि एयर टेक्स द वाटर वेपर्स टू सच कोल्ड एरियाज इन एटमॉस्फेयर वेयर टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, हेयर वाटर वेपर्स फ्रीज एंड वार्म हील्स विच फॉल ऑन अर्थ व्हेन दीज हील्स फॉल दे the water vapors in their way join them and their size increase, ठीक है, आपको समझ आ गया कि क्या होता है कि जो एयर होती है उसके अंदर जब वाटर वेपर्स गैदर हो जाते हैं तो वो कोल्ड एरिया का कोल्ड एरिया में जब एटमोसफेयर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और टेम्परेचर कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट पे, तो उस पे ब्लो फ्रीजिंग पॉइंट पे जब होता है तो वहाँ पे जो है वाटर वेपर्स किस में चेंज हो जाते हैं, हेल्स में, ठीक है। और जब ये हेल्स ज़मीन के अपर आ रहे होते हैं, यानी जो बादलों के से निकल के ज़मीन पे जब आते हैं, तो उस दौरान जो वाटर वेपर्स एयर में मौजूद होते हैं वो भी क्या बन जाते हैं, वो भी हेल्स के साथ मिल जाते हैं और उनका साइज इंक्रीज होता है, बड़े बड़े गिरते हैं ज़मीन के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा स्लेट। स्लेट क्या होता है, द कम्बिनेशन ऑफ रेन फॉल एंड स्नो फॉल इज कॉल्ड स्लेट, ठीक है, यानी मतलब जब वाटर वेपर्स जो हैं बारिश का अमल जब होता है तो बारिश के अमल होने की वजह से जहाँ पे एटमॉस्फेयर कोल्ड होती है, ठीक है, कोल्ड लेयर एटमॉस्फेयर की होती है, उस जगह के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा ठंडी होने की वजह से वहाँ पे जो वाटर रेन आ रही होती है उसके ऊपर क्या होता है कि बर्फ़ की एक लेयर जम जाती है, ठीक है, यानी बर्फ़ जम जाती है उसके ऊपर, स्नो जम जाती है, लेकिन अंदर उसके क्या होता है पानी होता है, सही है, यानी रेन और स्नोफॉल की कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, मिलाप को हम कहते हैं स्लेट, और जब वो ज़मीन पर आता है तो वो दोनों फॉर्म में होता है। इंशाल्लाह आपको समझ आ गया, अगर इसे अपनी कॉपीज़ पे लिखना है, याद करना है। अल्लाह हाफिज़।